लकम टू लॉगिरी आज हम बात करेंगे डेली यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे आप ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए आप इस एग्जाम डी यू का जो एल एल बी का एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो ठीक है मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर राइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जाम मैं आपको बताऊंगी ठीक है ना पैटर्न क्या है एग्जाम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ठीक है उसके बाद हम पूरा का पूरा सिलेबस नोट डाउन करेंगे एंड उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मार्क करवाऊंगी तो प्लीज़ नोट्स बना लेना ठीक है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक्स में से पढ़ना है ठीक है फिर कुछ फ्री स्टडी रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी और मैं आपसे पूछ भी रही हूँ कि और क्या स्टडी रिसोर्सेज आपको चाहिए अकॉर्डिंगली मैं वो अपनी वेबसाइट पर डालूंगी तो मेरी वेबसाइट

And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Lockery. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected.

ईजी है प्रेपरेशन करना क्योंकि टेंशन फ्री होकर प्रपरेशन करोगे ठीक है आराम से अपना सिलेबस आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो तो डेली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा वास्ट है ठीक है क्योंकि इन्होंने कोई क्लियर कट सिलेबस डिफ़ाइन नहीं किया हुआ स्पेशली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो इनके है ना आप देखोगे कि क्लियर कट नहीं है तो सिलेबस डिफ़ाइन ना होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको करके जाने पड़ते हैं तो नंबर ऑफ़ टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा है तो अगर आप अच्छे से टाइम यूज़ करोगे तो आप वो सारे टॉपिक्स कर सकते हो तो ये एग्जाम डिफिकल्ट इसका डिफिकल्ट नहीं है इसकी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं दिया हुआ है तो जब टाइम कम होता है तो कोई कहता है अच्छा मैं ये टॉपिक अच्छे से कर जाता हूँ ये कर जाता हूँ और कुछ ना कुछ आप छोड़ जाते हो अगर वो ज़्यादा आ जाता है वो वाला टॉपिक जो आप नहीं कर कर गए हो तो आप कहते हो कि जी एग्ज़ाम तो बहुत डिफिकल्ट था तो ठीक है अगर आपको पता है थ्री ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही है आपको अपनी ग्रेजुएशन के बाद लॉ ही करना है तो फिर अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो आप टू आवर्स भी अगर एवरी डे देना स्टार्ट कर दोगे और जैसा भी आपके पास टाइम है आप कहते हो कि मैं वीक के अंदर एट टू टेन आवर्स निकाल कर इस एग्जाम के लिए पढ़ सकती हूँ तो उतना भी बहुत है ठीक है बाकी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारे बता दूंगी इस वीडियो में ठीक है सेल्फ स्टडी आप सेल्फ स्टडी के थ्रू ही इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो मैं आपको सारी बुक्स बता दूंगी स्टडी रिसोर्सेज बता दूंगी मैं आपकी हेल्प करूंगी जो आप कहोगे आपको ये मटेरियल चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगी ठीक है ना तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको पता है कि आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम ही देना है राइट एलिजिबिलिटी फॉर एल एल बी एडमिशन कोर्स रिक्वायरमेंट्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डेली और एनी अदर इंडियन और फॉरन यूनिवर्सिटी रिकोगगनाइज एज इक्वेलेंट बाई द यूनिवर्सिटी ऑफ डेली तो आपके पास आपको ग्रेजुएशन होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी ठीक है तो ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है कई लोग समझते हैं कि हम ट्वेल्थ के बाद ये एग्जाम दे सकते हैं तो नहीं दे सकते है. दूसरा जो बड़ा इश्यू है ये पढ़ लेते हैं हम बहुत लोगों को लगता है कि हम जब हमारी डिग्री आ जाएगी हमें तब हम ये एग्जाम दे सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है जिस ईयर में आप अपने फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हो मतलब फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो ना उस साल में आप एग्जाम दे सकते हो मान लीजिए आपका 2022 में फाइनल सेमेस्टर आएगा फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दोगे तो आप फाइनल क्योंकि आपका फाइनल सेमेस्टर हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा जब तक एडमिशन्स होंगी तो आप ट्वेंटी के अंदर ही ये एग्ज़ाम दे सकते हो राइट right? अगर आगे पीछे कभी आपने दिया है मतलब आपकी डिग्री हो चुकी है तब भी आप देख सकते हो अनलिमिटेड हैं राइट कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अपियर इन द एल एल एंट्रेंस टेस्ट ठीक है ना अगर आप अभी अपियर हो रहे हो अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में उस साल के अंदर भी आप यही उस साल के अंदर ही आप एग्जाम दे सकते हो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरी डिग्री आएगी तभी मैं दे सकती हूँ नो no. ठीक है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड ई डब्ल्यू एस कैटेगरी कैंडिडेट्स एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ मार्क्स और एन इक्वलेंट ग्रेड पॉइंट इन द एग्रीगेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो प्लीज़ ट्राई करो कि जितने भी सेमेस्टर्स पढ़ें उसमें से आप ज़्यादा से उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हो ओ बी सी सी डब्ल्यू पी डब्ल्यू डी फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड सी एस टी कैटेगरी के लिए फोर्टी परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड हैं नंबर ऑफ आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स बहुत सारी हैं चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि एडमिशन हो सकती है अगर अच्छे से प्रेपरेशन करोगे अबाउट द एग्जाम तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है सेंटर पे जाओगे डेस्कटॉप पे बैठोगे और वहाँ पे आप एग्जाम दोगे ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज टू आवर्स ईच क्वेश्चन शैल कैरी फोर मार्क्स फोर हंड्रेड मार्क्स का ये एग्जाम है एक करेक्ट क्वेश्चन किया तो फोर मार्क्स मिलेंगे

ना एम करना चाहिए अब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना तो ये 2020 की लिस्ट है मार्क्स मतलब जिन्होंने वन टू मार्क्स स्कोर किए तो वो लास्ट कैंडिडेट थे फर्स्ट लिस्ट में टू पे जनरल की स्टोरी खत्म हो गई आउट ऑफ फोर ठीक है ना फोर मार्क्स का टोटल पेपर है आपका हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने पिछली बार बार किया अब जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया 100 क्वेश्चंस आएंगे वन क्वेश्चन इज इक्वल टू फोर मार्क्स ठीक है तो 400 मार्क्स का पेपर है 225 ट्वेंटी फाइव थी कट ऑफ बाकी सारी कैटेगरीज़ की मैंने मेंशन करी हुई है अराउंड अबाउट 63 थ्री टू सिक्सटी क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एडमिशन होगी राइट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हमें कोई क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा नहीं पता हाँ इन्हीं सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आएंगे इन्हीं सेक्शन में से और कुछ घुमा फिराकर वही टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे तभी मैं कह रही हूँ कि अगर जल्दी प्रपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो आप सारे के सारे टॉपिक्स कर पाओगे एंड आपका जो एडमिशन के चांसेस है वो नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट हो जाएंगे क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हुए अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है स्पीड बनी हुई है ठीक है तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो फायदे में रहोगे एक चीज जो नोट करने वाली है बहुत ही जरूरी है प्लीज नोट ठीक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ऑर्डर किस ऑर्डर में आपको प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है किस ऑर्डर में टॉपिक्स कवर करने हैं सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेन प्लस क्वेश्चन ही देखे गए हैं कि ऑलमोस्ट आ जाते हैं इस एग्जाम में ठीक है टेन भी मैं कम कह रही हूं बट आते हैं अच्छे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले अटैक करेंगे उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड को करेंगे जो कि आपके लॉ रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक्स होते हैं फन टॉपिक्स होते हैं आपको बहुत कुछ पता चलेगा करंट अफेयर्स हमारा एवरी डे एवरी डे चलेगा या फिर मंथली होगा आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है नहीं तो एक मंथली मैगजीन मैं आपको बता दूंगी वो फॉलो करते रहो ठीक है उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो शोर शॉर्ट होते हैं कि मतलब आएंगे ही क्वेश्चन कुछ और अगर उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो आपके बहुत अच्छे स्कोरिंग रहती है तो यहाँ तक हमारे लिए बहुत ही सही रहता है फिर स्ट्रैटिक जी के इंग्लिश और अगर आप चाहो तो मैथ्स भी थोड़ा बहुत कवर कर सकते हो राइट तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एप्टीट्यूड करंट अफेयर्स लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रैटिक जी और इंग्लिश हम एंड के लिए छोड़ देते हैं वो मैं ऑब्वियसली आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करूंगी प्लीज़ ये भी नोट कर लीजिए ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा तो ये ऑर्डर ही आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड अब लीगल एप्टीट्यूड के अंदर अगेन हर सब्जेक्ट के लिए ही मैं सबसे पहले सिलेबस बताऊंगी साथ साथ बताती रहूंगी कौन सी बुक्स में से पढ़ना है ठीक है और इम्पॉर्टेंट भी बताती रहूंगी ओके okay, प्लीज ये नोट कर लीजिए बहुत ही जरूरी है एक बार नोट कर लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी रहेगा क्योंकि मैंने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं कहाँ से पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिस्कस कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी की बुक होती है ये यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए होती है एम लक्ष्मीकांत की बुक है ठीक है ये बुक थोड़ी बल्कि है बट इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है कि इसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझने को मिलेगा अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक है ना अब हम इस बुक को कैसे यूटिलाइजेशन इसकी क्या आ, कैसे हम इसमें से पढ़ सकते हैं देखो सिंगल्स की बुक आप जरूर खरीदोगे खरी ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सिंगल लॉ पब्लिकेशन की बुक आती है लॉ एंट्रेंस के लिए वो हम खरीदेंगे वो आपने डेली यूनिवर्सिटी का अगर एग्जाम देना है तो वो बुक खरीदनी है बहुत अच्छी बुक है सिंगल्स की बुक तो आपने क्या करना है स्टेप वन आपका क्या रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले आप वहाँ पे ना मल्टीपल एम रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा एक टॉपिक आपका सिंगल्स की बुक में आप वह, वो टॉपिक खोलोगे एंड ऐसे ही पढ़ोगे क्वेश्चन जैसे वन आवर के लिए ना पहले दिन आपने सारे क्वेश्चन सारे नहीं कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए तो ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्टेप टू आपने क्या करना है कि सिंगल्स में से पढ़ना स्टार्ट किया ठीक है और टॉपिक्स जो सिंगल्स में दिए हुए हैं सिंगल्स में टॉपिक वाइज दिया होगा प्रियम्बल दिया हुआ है बैकग्राउंड दिया हुआ है तो जो आपको समझ आपको लग रहा है कि यार मुझे ना इसकी डिटेल चाहिए मुझे कुछ ज्यादा समझना है इसके अंदर ठीक uh, uh, है ना अराउंड आई थिंक आप जो टॉपिक है फर्स्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो इंडियन पॉलिटी में से तो फर्स्ट टॉपिक से लेकर के आप पढ़ लो एमरजेंसी एमरजेंसी से भी पहले अमेंडमेंट्स आएगा वहां तक अगर पढ़ लोगे एंड फिर प्रोसीजर्स के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पढ़ लोगे मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी मेन बुक जो है ना मेन बुक आप सिंगल

राइट इंडियन पॉलिटी की बुक आप कब उठाओगे एम लक्ष्मीकांत की जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका कोई भी एडिशन आप बाय कर सकते हो एनी एडिशन अगर कोई आपके आसपास यूपीएससी वाले बच्चे रहते हैं तो उनके पास जाओ उनके पास ये एडिशन पुराने पड़े होते हैं उनसे पुराना एडिशन ले लो मतलब फ्री में काम हो जाएगा नया एडिशन लेना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मतलब मैं तो ऐसे ही सुजेस्ट करी हूँ ठीक है तो आप इंडियन पॉलिटी को ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर सारी की सारी पढ़ने हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं बट मुझे वो थोड़ा टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है बिकॉज मेन जो है अगर आप सिंगल्स की बुक में से कवर कर ले तो बहुत सही रहता है ठीक है स्टेप थ्री आपका जो रहता है वो होता है सॉल्विंग एम ठीक है एम सॉल्व करने हैं सारे के सारे एम जो आपके सिंगल्स में दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं ज़रूरी हैं और फिर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपके सिंगल्स में ही डेली यूनिवर्सिटी के अवेलेबल हैं वो आपने वहाँ पर जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन दिखेंगे वो आपने सॉल्व करने ये आपका एज अ टेस्ट हो जाएगा ठीक है ना सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जाकर सॉल्व कर देने हैं बस अगर ये कर दिया ना तो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गई तीन स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं बुक्स मैंने बता दी कैसे करना है वो बता दे ओहाँ oh, एक चीज जो मैं भूल गई वो आपको बता देती हूँ साथ साथ नोट्स बनाने बुक के अंदर ही सिंगल्स पढ़ रहे हो सिंगल्स में कुछ इंपॉर्टेंट लगा वो मार्क कर लिया ठीक है फिर उसके बाद कुछ एम लक्ष्मी गांध में से पढ़ा जो आपको लगा कि हाँ ये मुझे याद होना चाहिए या ये मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी लग रहा है तो आप पोस्टेड लगा सकते हो सिंगल्स के अंदर वो नोट कर लिया कि बार बार एम लक्ष्मीकांत में ना जाना पड़े बिकॉज आपको कोई भी चीज याद करनी है बेटा थ्योरी जो याद करनी है तो उसको बार बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा तो नोट्स भी बना लेना साथ साथ राइट right, तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कैसे आपको कवर करनी है अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मेरे पूछ सकते हैं गाइज़ आप मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी बाय कर सकते हैं इस कोर्स में आपको अराउंड 25 फाइव वीडियोज़ मिलती हैं जिसके अंदर मैंने एक एक टॉपिक को जो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैंने बात करी है बहुत ही अच्छे से समझाया है तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं तो उसकी जो डिटेल्स होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं ओके क्रिमिनल लॉ भी मैं इंपॉर्टेंट ही मार्क करूंगी तो क्रिमिनल लॉ के लिए जो आपको बुक खरीदनी है वो है एपी भारद्वाज क्रिमिनल लॉ के लिए क्या आपको जो थ्योरी पढ़ना है ना थ्योरी के अंदर क्या क्या अब मैं ए पी भारद्वाज एल ए एंड एल आर नाम की बुक आती है वो खरीदनी है ठीक है अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स करोगे आप एपी भारद्वाज में से एपी भारद्वाज में बहुत ज्यादा रेपिटेशन है बट हमारा काम बन जाता है ए पी भारद्वाज भी यूज कर सकते हो या विली की बुक आती है वो भी यूज कर सकते हो इसमें से ओनली थ्योरी यूज करनी और लिख दो यहाँ पे दोनों मत लेके बैठ जाना और एक बुक बहुत है वो पढ़ लो अच्छे से वो बहुत है ठीक है यहाँ से जो एक ओनली फॉर थ्योरी लिख लो साथ में ओनली फॉर थ्योरी ठीक है और थ्योरी भी कौन कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनी सिंगल्स में से ही पढ़ेंगे एल एल आर में से टॉपिक नोट कर लो कौन कौन से पढ़ने हैं देखो सबसे पहले तो सिविल सिविल लॉ ठीक है तीसरा टॉपिक आपने पढ़ना है uh, कॉन्ट्रैक्ट अब अगर बच्चे आपको सिंगल्स में से अब ये बुक कब खरीदनी है ये बुक एल एल आर कब खरीदनी है अगर आपको लगे कि यार सिंगल्स में मुझे इतना समझ नहीं आ रहा या मुझे कुछ और वो उसमें जाना है तो आप आ, मतलब खरीदोगे एपी भारद्वाज या विली नहीं तो सिंगल्स में से भी पढ़ सकते हो ठीक है अच्छा चलो एक बुक बताई देती हूँ एल ए एल आर में से या विली में से आप खरीद ही लो कॉन्ट्रैक्ट टॉट्स और क्रिमिनल लॉ की थ्योरी हम ओनली थ्योरी पढ़ेंगे हम कहाँ से एपी पी भारद्वाज में से या फिर विली में से क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने हैं सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स के या फिर इंटरनेशनल लॉ आईपीआर के कहाँ से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन सिंगल्स में से ही सॉल्व करने हैं वही हमारा वो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो सिंगल में दिए हुए हैं सिंगल्स में से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आ गया समझ अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे से प्लीज गलत मत करना कुछ भी क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपको बार बार बोल रही हूँ एमसीक्यू सॉल्व करना क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बहुत बच्चे क्या करेंगे कुछ बच्चे कहेंगे हम बेर खरीद लेते हैं हम ये खरीद लेते हैं देखो यार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना जो दिया हुआ है बुक में वो पढ़ो एंड प्रैक्टिस करो उसको समझने की कोशिश करो उतना बहुत है उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक आपके होंगे कॉन्ट्रैक्ट टॉर्च इंटरनेशनल लॉ आपका दिया हुआ है सिंगल्स के अंदर टॉपिक है तो उसमें से कवर हो जाएगा आईपीआर ठीक है आईपीआर का पीडीएफ मैं तैयार कर रही हूँ 2022 वालों के लिए पक्का से तैयार कर दूंगी प्रॉमिस रहा मेरा लीगल टर्म्स फ्रेजेस एंड मैक्सिम्स ठीक है ये आपके मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां से करने बहुत ज़्यादा नंबर में दिए हूँ मैं सिंगल्स में या कोई भी बुक आप उठाओगे तो ये जो मैं करवा रही हूँ वो कर लेना और प्रीवियस ईर क्वेश्चन पेपर में जहां पर भी आपको दिखे कोई टर्म या लीगल मैक्सिम वो और मैंने दो वीडियोज़ भी करी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेना कस्टम जो है वो आपका आप देखोगे सिंगल्स में इंटरनेशनल लॉ की तरफ आपका बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है तो वहाँ से पढ़ लेना ठीक है मुस्लिम लॉ आपका इम्पॉर्टेंट एक्ट्स के अंदर इम्पोर्टेंट एक्ट्स नाम का टॉपिक है सिंगल्स के अंदर वहाँ से आपका कवर हो जाएगा मैं भी ट्राई करूंगी कि मैरिज एक्ट और ये सब के लिए आपको दे दूँ मैम पी डी एफ लैंडमार्क जजमेंट्स एंड कमीशन के लिए मैंने वीडियो करी हुई है वो देख लेना ठीक है और आ, आपके टाइम तक तो अगेन पी भी अपलोड हो जाएंगे तो वीडियोस के जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जैसे जैसे मेरे पी होते जाएंगे ना आई प्रोमिस यू मैं आप इसी वीडियो के लि नीचे लिंक करती रहूँगी ठीक है ना तो ऐसे आप सिंगल्स में मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेली का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाता है अब जो एक बात आपने बच्चा समझनी है ना वो ये समझनी है कि हमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस दिखेंगे वो लीगल जीके टाइप के क्वेश्चन क्या है नॉर्मल लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस क्या है कि आपका नॉर्मल क्वेश्चन ठीक है उसके बाद फोर ऑप्शन दैट्स इट लीगल रीजनिंग अगर आप न्यू हो लॉ एंट्रेंस एग्जाम के वर्ल्ड में तो लीगल रीजनिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको एक सिचुएशन दे रखी होगी कि कोई चल रहा था उसके ऊपर किसी ने ईंट फेंक दी तो ये मर्डर हुआ या क्या हुआ उसके बाद लॉ बता रखा होगा तो इसको हम लीगल रीजनिंग कह देते हैं और फैक्ट एंड फैक्ट एंड प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कह देते हैं डरने की जरूरत नहीं है वीडियो करी हुई है बताया हुआ है कि कैसे सब कुछ करना है ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि हम थ्योरी तो पढ़ेंगे ही ना तो थ्योरी में आपको लर्न करना है क्योंकि लीगल जी के टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो पूछेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया वो पूछेंगे कि प्रियाम्बुल में ये वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए तो हमें लर्न भी करना है और हमें अंडरस्टैंड भी करना है क्योंकि जो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन है उनके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है डरने की जरूरत नहीं है लेवल कुछ ज़्यादा हाई नहीं है सिंगल्स में से ही सॉल्व करना है सिंगल्स में से ही सॉल्व करना है ए बी भारद्वाज में से लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं वो हमारा लेवल नहीं है सिंगल्स में से सॉल्व कर लिया लीगल रीजनिंग का एक प्रॉपर यूनिट प्रोवाइड किया हुआ है सिंगल्स के अंदर वो सॉल्व कर लिया उतना बहुत है राइट आपके लिए इजी हो जाए तो टॉपिक्स टू कवर फ्रॉम सिंगल्स मैंने ये लिस्ट दी है यूनिट वन में से मेरे पास पुराना एडिशन है मैंने आई थिंक पिछले साल ऑर्डर करी थी बुक तो मेरे पास पुराना एडिशन है तो मेरे ख्याल से वैसा ही सेम होगा नया एडिशन मैंने खरीदा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर करना है द इंडियन नेशन कवर करना है मॉडल क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ये एम सी सॉल्व करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना उसके बाद इंडियन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इंटरनेशनल लॉ एंड द यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस एंड अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट लॉज यहाँ पे आपका सारा जो हिंदू लॉ है बाकी सारे लॉज जितना भी दिया हुआ है सारा का सारा कवर करोगे मतलब ये टॉपिक्स इंटायरली कवर करोगे ठीक है मॉडल क्वेश्चन ऑन लीगल एप्टीट्यूड मॉडल क्वेश्चन ऑन इंपॉर्टेंट लॉज लीगल रीजनिंग कंप्लीट ये तो कंप्लीट ही सॉल्व करना है पहले यहाँ से थ्योरी पहले थ्योरी पढ़ लेना एपी भारद्वाज में से इन टॉपिक्स की कॉन्ट्रैक्ट्स uh, और ये सब की फिर आप लीगल रीजनिंग पे आना ठीक है ना पहले पहले मैं स्टेप बाइज दे देती हूँ ठीक है देखो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगी मतलब टू मंथ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देंगे तो ये वाला तो हमारा सिस्टम हो जाएगा यूनिट वन तो हमारा दो महीने में हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम आएंगे इसको अटैक करेंगे ये वाले पोर्शन को ठीक है ये वाला पोर्शन पहले सिंगल्स में से ही करना ठीक है उसके बाद एपी भारद्वाज पे चले जाना ठीक है उसके बाद एपी भारद्वाज पे जाओगे फिर उसके बाद किस पे आओगे थ्योरी पढ़कर लीगल रीजनिंग पे राइट right. अब जो ये मैंने सारा गन मचाया ये मैं साफ़ कर देती हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लो या दोबारा आ जाना जो भी करना है ये वाले टॉपिक्स बेसिकली आपको करने हैं ठीक है ना अगर आपको लगे कि नहीं कुछ नया है बुक के अंदर तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना इंस्टाग्राम पे मैं बता दूंगी राइट right. बात करते हैं करंट अफेयर्स की या देखो करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है मतलब अभी मैं मैसेजेस दिखाऊँ ना आपको जितने भी बच्चे हैं वो ये कहते हैं दी इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी कैसे पढ़ेंगे हम हमें याद नहीं हो रहा है करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट पार्ट न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है न्यूज़पेपर फॉलो करो द हिंदू ठीक है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू कर लो तो बहुत ही बढ़िया है ठीक है अब आपकी हेल्प के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे दैट इज एट आई एम लॉगिरी वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है ना हर रोज़ की वो पोस्ट कर देती हूँ मतलब अगर द हिंदू का वो आर्टिकल पढ़ सकते हो जो मैंने पोस्ट किया है वो तो बहुत ही बढ़िया होगा अगर सिर्फ हेडलाइंस भी पढ़ सकते हो तो भी बहुत ही बढ़िया होगा ठीक है ना जो मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे तो आप मतलब आपको पता रहेगा न्यूज़ में क्या है ठीक है जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फॉलो करो वन करंट अफेयर्स मैगजीन ठीक है अब करंट अफेयर्स मैगजीन आपको लगेगा इंडिया टुडे या कुछ ऐसा सा ठीक है नहीं आपको वो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैगजीन होती है ना जो स्पेसिफिकली ऐसे एग्जाम्स के लिए लिखी जाती हैं ठीक है मंथली मैगजीन वो आपने फॉलो करनी है एनी वन करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन ठीक है अब कौन कौन सी मैसेजेस करूँगी आप प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर सकते हो आप बिट्स का फॉलो कर सकते हो ठीक है आप न्यूज एंड इवेंट्स फॉलो कर सकते हो तो कोई भी एक एनी वन मैगजीन यू कैन फॉलो ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा अब हमने बात करी करंट अफेयर्स की अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की ठीक है स्टैटिक जीके का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना वो डिक्रीज होते जा रहे हैं दिन भर दिन कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और हम मतलब स्टार्टिक जी के ना अभी अगस्त सेप्टेम्बर चल रहा है हम जाकर करेंगे मे बी जनवरी फेबररी में स्टार्टिक जी के मतलब जब हमारा सारा इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा तब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंगल्स में आपका ये दिया हुआ है सिंगल्स की बुक प्लीज़ खरीद ही लो यार अगर डेली यूनिवर्सिटी करना है अगर डेली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करो महाराष्ट्र सी के लिए भी करो ना तो आपका सिंगल्स में से ही हो जाएगा महाराष्ट्र सी भी प्रिपेयर ठीक है रैंकिंग एंड सर्वे ये आपका करंट अफेयर्स अवार्ड्स है कोई लीगल न्यूज़ है स्पोर्ट्स है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड न्यूज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आपका जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो तो आपका सिंगल्स में से कवर हो जाएगा इकोनॉमिक टर्म्स एंड साइंस अब देखो यार जो आपका ये टॉपिक्स है ना साइंस लिख लो साइंस जोग्राफी ठीक है साइंस जोग्रफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये टुवर्ड्स द एंड हम करेंगे टुवर्ड्स लाइक like, फेबररी के अंदर जब हमारा सारा सब कुछ हो जाएगा जब हम कर सकते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट सब कुछ हो गया तो एम सी क्यूज़ दिए हुए हैं आपकी सिंगल्स के अंदर ही एम सी क्यूज़ दिए हुए हैं सिंगल्स के अंदर ही वहां से आप सॉल्व कर देना अब मुझे एक चीज़ याद आ गई बहुत बच्चे कहेंगे कि दी अभी चल रहा है 2021, 2022 के अंदर आएगा न्यू एडिशन ऑफ सिंगल्स तो हम तब तक वेट करें कि न्यू बुक आएगी तब हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे नो no. अगर आपको पुराना एडिशन मिल रहा है नया है सेकेंड हैंड है कुछ भी है वो लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दो करंट अफेयर्स के लिए हम वैसे ही मैगजीन अपनी एक करंट मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जो है वो फॉलो कर रहे हैं ठीक है एंड दैट इज़ इनफ और मैगजीन फॉलो करोगे यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास नोट्स हों ठीक है बाय द एंड ऑफ इट यू विल बी अहेड ऑफ सो मैनी यू नो स्टूडेंट्स अगर आप ये चीज़ कर रहे हो ठीक है स्टैटिक जीके के लिए हम इन टॉपिक्स के लिए सिंगर्स में से एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे ओके okay? स्टैटिक जीके के देखो क्वेश्चंस कितने कम हो रहे हैं मतलब ओवर द इयर्स मैंने सारा लिखा हुआ है कितने कम क्वेश्चंस आए हैं तो हम तभी ये एंड में करेंगे बिल्कुल एंड में जब हमारे पास बिल्कुल कम टाइम होगा मतलब और हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके होंगे और हमारे पास सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले ख़त्म हैं बस कुछ थोड़े बहुत रह गए तब हम करेंगे समझ रहे हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बच्चे क्या करेंगे स्टैटिक जी पहले करेंगे उसमें से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं दो तीन छः से आठ थ्री टू फोर टू में आए थे इतने क्वेश्चंस अब तो रिड्यूस ही हो रहे हैं देखो ठीक है ना बट फिर भी सेफ साइड के लिए हम कवर करके जाएंगे बट आपको पियोसन ल्यूसन ये वाली बुक्स नहीं खरीदनी है बच्चों आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से कवर करो ना जो चीज आई ही नहीं रही है उसको डिटेल में पढ़ के क्या करोगे और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाओगे ना तो वो सेम क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे राइट कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तो लॉजिकल रीजनिंग के ये आपके टॉपिक्स हैं एनोलॉजी पजल टेस्ट यहाँ पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट ऐड कर लेना डायरेक्शन साइंस टेस्ट ठीक है ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो आपको करने हैं कौन सी बुक में से करने हैं देखो आपको बुक खरीदनी है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल ठीक है ये बुक तो खरीदनी ही पड़ेगी बाकी सारा आपका सिंगल्स में से करवा दूंगी मैं बट ये बुक आपको खरीदनी पड़ेगी क्योंकि हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है ये बुक बहुत ही मोटी है इसको देखकर डर लगता है मैंने इसके ऊपर वीडियो करी हुई है और मैंने आपकी ए पी भारद्वाज के ऊपर भी वीडियो करी हुई है कि कैसे आपको उसको पढ़ना है ए पी भारद्वाज जो लीगल एप्टीट्यूड की बुक है ना उसमें से सिर्फ हमें वो चार थ्योरी के टॉपिक्स पढ़कर उसको बंद कर देना है फिर फिर मतलब जाना नहीं उस बुक पे वापस रिवाइज करने जाओगे बस वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल ठीक है यही टॉपिक्स यही टॉपिक्स जो मेंशन किए हुए हैं टिक कर लोगे ठीक है ये टॉपिक को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक्स टिक कर लोगे ठीक है ये दो टॉपिक्स नहीं करने बाकी सारे टिक कर लोगे कि हाँ ये 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 और यही टॉपिक सॉल्व करने हैं बस कोई और टॉपिक नहीं सॉल्व करना बच्चों को लगता है हम सारी बुक सॉल्व करके जाएंगे अरे भाई ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है ये कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करो बस ये सॉल्व करा ठीक है इन्फ्रेंस कंक्लूजन तुम्हारी सिंगल्स में भी अच्छा दिया हुआ है ठीक है अगर सिंगल्स इन्फ्रेंस कंक्लूजन सिलॉजिजम्स अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि नहीं मुझे स्पेसिफिक बुक चाहिए इसको वैसे क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं इन टॉपिक्स को तो आप एम के पांडे बाय कर सकते हो ठीक है सिलॉजिजम्स तो एम के पांडे में अच्छे दिए हुए हैं अब एम के पांडे अगर बाय करोगे तो इसमें एक टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या क्या टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है अगर ये बुक बाय करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिकली जितनी आपके ये टॉपिक्स हैं ना पज़ल टेस्ट सर्कुलर टेबल सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस टेस्ट इस वाले टॉपिक के एम पांडे की बुक में इस वाले टॉपिक के अंदर उन्होंने आपको ट्रिक्स बताई हुई है मतलब बिल्कुल परफेक्ट ट्रिक्स बताते ऐसा सॉल्व करो वैसा सॉल्व करो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका तो आप ये दो बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड यू विल बी गुड टू गो तो मतलब आप सिंगल्स बाय करो ए पी भारद्वाज बाय कर रहे हो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग एम के पांडे ये चार किताबें होंगी आपकी ठीक है करंट अफेयर्स मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है यार मतलब अच्छा एक अच्छा कॉलेज भी तो मिल रहा है आपको अब बात करते हैं इंग्लिश की इंग्लिश के लिए हमें कोई बुक की ज़रूरत नहीं है सिंगर्स में से कर लो बहुत है सिंगर्स में से कर लो बहुत है मैंने आज ही सिंगर्स की बुक खोलकर देखी और मैं खुश हो गई मतलब उन्होंने सही चीज़ें दी हुई हैं सिंगर्स की बुक कर लो बहुत है कोई बुक नहीं बताऊंगी फिर भी कोई बुक मेंशन कर दूंगी मुझे पता है क्योंकि कोई बच्चे कहेंगे पर्टिकुलर बुक बता दो हमें एस पी बख्शी ले सकते हो जरूरत नहीं है बट फिर भी लेनी है तो ले लो आपके सिंगर्स में बहुत 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 बढ़िया दिया हुआ है अब जो इंग्लिश है वो आपकी कम ही आती है ज़्यादा नहीं आती है बेसिक ग्रामर आप रिवाइज़ कर लो ठीक है बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो सिंगल्स की बुक में से बढ़िया रहोगे ओके मैथ्स जो है ना वो तो आता ही नहीं है 2017 में ये एक दो तीन चार पाँच क्वेश्चन आए दो क्वेश्चन यहाँ पर आए फोर टू फाइव क्वेश्चन यहाँ पर आए ठीक है तो मैथ्स दिन बर दिन कम होता रहता है और यही वाले टॉपिक्स हैं आपके सिंगल्स में से ही पढ़ जाना ठीक है सिंगल्स में से ही पढ़ जाना वो भी टुवर्ड्स दी एंड पहले हम अपना क्या करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एप्टीट्यूड करंट अफेयर साथ साथ चल रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग फिर अब आएंगे स्ट्राटेजी के इंग्लिश मैथ्स पे राइट right? पहले सबसे इंपॉर्टेंट ओके प्लान की बात करते हैं सबको प्लान चाहिए ठीक है ना कि हमें तो टाइम टेबल दे दो कि हम कैसे पढ़ें अगर ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना तो एडमिशन तो बनता है यार अगले साल मैसेज आना चाहिए दी हो गया ठीक है बहुत ही खुशी होती है जब वैसा कोई मैसेज आता है तो अगस्त 2021 2021 चल रहा है, सितंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करेंगे बताया हुआ है कैसे अटैक करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों स्टेप्स थ्री स्टेप्स सारे के सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए ये टू मंथ के अंदर अब आपका शेड्यूल क्या रहना चाहिए देखो यार आप हर रोज टू आवर्स निकाल सकते हो ठीक है बहुत ही बढ़िया उसमें से आधा घंटा हाफ एन आवर बस थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा क्योंकि हम मेनली अपनी मैगजीन पे डिपेंड करेंगे नोट्स बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मैगजीन अगर करंट अफेयर्स की फॉलो कर रहे हो ठीक है बाकी वन पॉइंट फाइव आवर्स या टू आवर्स भी अगर आप मतलब देते हो सब्जेक्ट को तो बहुत है या फिर आप वीक के हिसाब से कर सकते हो कि मुझे एट टू टेन आवर्स देने हैं कि फटाफट से सिलेबस खत्म हो जाए राइट उसके बाद अक्टूबर में आप क्रिमिनल लॉ टॉर्च पढ़ो छोटा सा ही है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इसके अभी सारा एम भी सॉल्व करने हैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और थ्योरी भी पढ़नी है मतलब सारे स्टेप्स कंप्लीट कर देने हैं ठीक है उसके बाद नवंबर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्लस लीगल टर्म्स कर लो ठीक है लीगल टर्म्स तो वैसे ही ईजी है दो चार दिन में हो जाएंगी और ये मैंने इजी इसलिए रखा है बिकॉज मुझे पता है क्रिमिनल लॉ टॉर्च में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है नवंबर का मे बी वन वीक आपको लेना पड़े ऊपर के लिए राइट right. उसके बाद दिसंबर 2021 ये तो छोटे छोटे से टॉपिक है इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाला टॉपिक पढ़ना है आपको सिंगल्स में से और खत्म स्टोरी ठीक है लैंडमार्क जजमेंट्स कमीशन पे मैंने वीडियो करी हुई है सिंगल्स में भी दिया हुआ है दोनों का कर लोगे खत्म दिसंबर में वैसे भी हॉलीडेज होती हैं ज्यादा ट्राई करना कि दो घंटे की बजाय चार घंटे की सिटिंग देने लग जाओ यहाँ पे कि जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए जो फेब में इंग्लिश मैच करना उसके बाद स्ट्रैटेजी के एंड फिर प्रैक्टिस 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 फुल लेंथ मॉक्स टाइम ये वो सब कुछ आपका हो जाना चाहिए ठीक है तो बड़े आराम से बहुत कूल माइंडेड लेना आप सिलेबस कवर कर सकते हो और डेली यूनिवर्सिटी में और अगर आप ये फॉलो कर रहे हो ना ये वाला जो टाइम टेबल है फॉलो कर रहे हो तो आपका महाराष्ट्र सी भी बहुत बहुत कवर होता है जो डिफरेंस है वो मैंने वीडियो में कर रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ यू शुड स्टडी हाउ टू स्टडी सो फर्स्टली यू नीड टू डिवाइड योर प्रेपरेशन इन टू डिफरेंट स्टेजस ठीक है हम अपनी जो प्रेपरेशन है उसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करेंगे तो जो हमारी स्टेज वन है उसके अंदर ऑब्वियसली वी हैव टू कम्प्लीट द सिलेबस ठीक है ना कम्प्लीट द सिलेबस कम्प्लीट द सलेबस में क्या है कि हम जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ठीक है वी आर गोइंग टू गो थ्रू दैम हम उसको रीड करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे एंड हम यहाँ पे मार्क बी कर लेंगे मार्क प्लस नोट्स बी बना देंगे ठीक है मार्क प्लस नोट्स सो दैट लेटर ऑन वी कैन रिवाइज ठीक है ना लेटर ऑन वी कैन रिवाइज ओके ये हम करेंगे ठीक है रीड एंड अंडरस्टैंड मार्क प्लस नोट्स एंड थर्ड जो हमारा है सॉल्विंग क्वेस्स ठीक है सॉल्विंग क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई बच्चों बिकॉज नंबर वन आई यू लर्निंग द राइट थिंग आई यू लर्निंग द राइट थिंग ये पता चलता है कि मैं कुछ और तो नहीं याद करी कुछ और याद करना है पर कुछ और तो नहीं याद करी एम सी क्यू सॉल्व करने से पता चलता है कन्फ्यूजन जो होती है कि ये सही आंसर है या यही ये सही आंसर है ठीक है वो पता चलता है सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में चांसेस हैं बहुत सारे ठीक है तो ये जो है जितना और उसके आपकी स्पीड बढ़ेगी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी आपको थ्योरी अप्लाई करनी आएगी प्रैक्टिकली एम सी क्यूज को तो ये बहुत ज़रूरी है एम सी क्यू सॉल्व करना है ठीक है और ट्राई करना जब जब आपका एक सब्जेक्ट या एक सेक्शन खत्म हो जाए तो आप उसको कंप्लीट रिवाइज़ करो ठीक है ना दो से तीन दिन देकर टू टू थ्री डेज में आप कंप्लीट रिविजन करो तब देन नेक्स्ट पे मूव हो रहे हो वीकेंड्स पे ट्राई करो कि जो आपने वीक डेज में पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो

ठीक है रिवाइज 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 सेक्शन टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट लो ठीक है आ, मतलब अगर आपके सिंगल्स कंप्लीट हो गए सिंगल्स की बुक कंप्लीट हो गई यूनिवर्सल्स बाय कर लो ठीक है और सिंगल्स में सब आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इतने हैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो फिर सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं बैक पे ठीक है वो दो चीज़ें सॉल्व करोगे इतने मतलब इतने में रिवाइज़ करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन कम नहीं है सिंगल्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं रिवाइज़ करोगे ठीक है फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे जो सिंगल्स uh, में दिए हुए हैं ठीक है उसके बाद आपके पास मॉक टेस्ट आपको तब तक लॉगिरी पर भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो आप सोल्व कर सकते हो राइट right, तो उसके बाद क्या होगा रिवाइज 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 मॉक टेस्ट दिया एनालाइज किया अच्छा ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है उसको रिवाइज कर लो तो प्रैक्टिस और रिवाइज पर आ जाएगा तो ऐसे आपने स्टेज वन और टू में अपनी जो स्टडी है उसको डिवाइड कर लेना है ओके गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन पे भी हिट कर देना क्योंकि मैं और और वीडियोस बनाऊंगी जो आपको हेल्प करती रहें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपको कोई इशू लग रहा है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं कॉमेंट में मेरे से आप चैट कर सकते हो आप मेरे साथ चैट कर सकते हो एट आई एम लॉग पे जो कि मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है आप मेरे साथ एक वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हो जिसके अंदर पर्टिकुलरली मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी ये एक पेड सेशन है उसका जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगी राइट right?